मैंने पहले भी कहा था, जिस प्रकार कोरोना मैनेजमेंट बहुत शानदार राजस्थान में हुआ है, जिसको अप्रिशिएट पूरे देश ने किया है, उसी ढंग से वैक्सीनेशन का काम भी बहुत अच्छा होगा, वो मैंने अनुभव किया। पर आज 2-2.5 लाख प्रतिदिन लगना वैक्सीनेशन राजस्थान होना बड़ी बात है। पूरे देश के वैक्सीनेशन का करीब 25% सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। ये इसलिए है, जो कोरोना का मैनेजमेंट शानदार राजस्थान में हुआ तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसलिए आगे बढ़ बढ़ करके लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और यही कारण है पूरे देश भर का वैक्सीनेशन का 25% लगभग होना बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत शानदार तरीके से काम चल रहा है, और तमाम नर्सिंग स्टूडेंट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, एक टीम ऐसी बन गई राजस्थान में, रिदम बन गया पूरा राजस्थान के अंदर। जब से कोरोना मार्च में आया था, 20 में मार्च वापस आने वाला है, एक साल तक अपने आप को तैयार रखना मैं समझता हूँ कि तारीफ़ के काबिल है। तो पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई है, और तमाम जो राजस्थान में जो वर्ग थे, चाहे वो धर्मगुरु थे, चाहे वो हमारे एक्टिविस्ट थे, सामाजिक संस्थाएँ थी, विपक्षी पार्टियाँ थी, आम जनता थी, सब ने मिल के कोरोना जंग लड़ी, इसीलिए हम कामयाब हुए। परंतु मैं मैसेज देना चाहूँगा पब्लिक को कि आज जो दिल्ली में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, केरला में वापस बढ़ रहा है कोरोना, कई जगह लॉकडाउन की नौबत आ गई है, तो राजस्थान में हम लोग जीते हुए जंग को हार नहीं जाए कहीं, इतने ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन के साथ साथ में प्रोटोकॉल जो है, मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, हाथ धोने का है, उस पर लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। अभी भी इक्का दुक्का लोग जो मरते हैं, हम सुनते हैं कि लापरवाही से मरे हैं। अगर आप लापरवाही के बाद जाओगे अस्पताल, उसके बाद में आपके चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं, पर सिम्टम होते चले जाओगे तो 100% बच जाते लोग। तो मेरी आम जनता से अपील है, सिम्टम आए संकोच नहीं करें, फ्री इलाज हो रहा है अस्पतालों के अंदर, जाएँ, पूरा इलाज होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आए। ये मेरा उनको बिल्कुल गलत भ्रांतियाँ हैं, मैंने पहले दिन से कहा है, देश और दुनिया में वैक्सीन लग रही है, पता नहीं पड़ता है वैक्सीन कैसे लगी। ये जो कैमरा दिखाते हैं आपको टीवी के अंदर, वो स्थिति नहीं है वास्तव के अंदर। अगर आप पत्रकार लोग, आपने वैक्सीन लगाई नहीं लगी मुझे मालूम नहीं, डॉक्टर साहब कहना चाहूँगा, आपका भी, आप भी तो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आपकी वैक्सीनेशन जरूर होनी शुरू, आप महसूस करोगे लगाई, पता नहीं लगता वैक्सीन कब लग गई है। कोई चिंता की बात नहीं है, राजस्थान ने गति पकड़ ली है, और मैं फिर कहूँगा पूरे देश का 25% के लगभग राजस्थान में वैक्सीन हो रहा है।